कोरोना महामारी के चलते इस बार हर पर्व की रौनक फीकी पड़ती जा रही है। विभिन्न त्योहारों की तरह इस बार मुहर्रम पर ताजिए का जुलूस भी नहीं निकला। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मोमिन भाई हर साल ताजिए का जुलूस निकालते थे, लेकिन इस बार मोमिनों ने हजरत इमाम हुसैन की घरों में ही इबादत की। वहीं ताजिए का जुलूस नहीं निकलने के चलते सिपाही मोहल्ला पावड़ी चौक सूना नजर आया। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में मनाई जाने वाले मातमी पर्व मोहर्रम इस बार बाड़मेर में नहीं मनाया गया और न ही ताजिए का जुलूस निकला, जिसके चलते बाड़मेर के सिपाही मोहल्ला पावड़ी चौक समेत ताजिया जुलूस निकलने वाले आम रास्तों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। कोरोना काल एवं बाड़मेर में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन ने मोहर्रम कमेटी की हुई बैठक में ताजिए का जुलूस न निकालने के निर्णय पर मोमिन संगठनों ने अपनी सहमति जताई थी, जिसके तहत बाड़मेर में इस बार ताजिया जुलूस नहीं निकला। मोहर्रम कमेटी के लाइसेंसदार नजीर मोहम्मद ने बताया कि बाड़मेर में बढ़ते कोरोना प्रसार को देखते हुए इस बार मोहर्रम कमेटी द्वारा ताजिया जुलूस न निकालने का निर्णय लिया गया, जिस पर मोमिन संगठनों ने भी अपनी सहमति जाहिर की ताकि कोरोना प्रसार पर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही मोमिनों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को अपने घरों में याद कर अल्लाह की इबादत की। ताजिए का त्यौहार शहादत का त्यौहार है और हर साल मनाया जाता है। इस बार कोरोना काल को देखते हुए मुस्लिम समाज बाड़मेर ने विशेष करके जो मोहर्रम कमेटी है उसने बैठ कर के जिला प्रशासन के साथ में और ये तय किया कि हम इस बार ताजिए का जुलूस नहीं निकालेंगे, ताजिया नहीं मनाएंगे। तो हमारे समाज के कुछ लोगों ने मैं थोड़ा आक्रोश कह लीजिए या उत्साह कह लीजिए ये था कि हर साल निकलता है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, तो हमने एक मैं मोहर्रम लाइसेंसदार आज 36 साल से मैं हूँ और मेरी कौम ने हमेशा कहना माना है। इस बार भी मैं कहता हूँ उनका सब बड़प्पन है, उनको जब ये बात समझाई गई कि सब इंसानों की भलाई के लिए हमें इस बार ये मोहर्रम होगा तो गैदरिंग होगी, तो हमने अपने लेवल पर सबको समझाया, लोग समझ गए और किसी ने भी इस बात का ये ऐतराज़ नहीं किया कि साहब मोहर्रम निकाला जाए, तो हमने मोहर्रम इस बार नहीं निकाला। वैसे आपसा हकीकत में दिल से होती है और ये हम दुनियादारी के जो ये जलसे वगैरह ये है वो होते हैं, मगर वास्तव में सही तरीका ये है कि अपने घर के अंदर बैठ कर जो हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनकी शहादत को याद करते हैं, उनके लिए फातिहा दिलाते हैं, दरूद दिलाते हैं, कुछ कलम कलाम जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो करते हैं और वैसे भी वो होते हैं, ताजिया निकलता है तो भी घर में होते हैं और इस बार तो ज़्यादातर सारे जो प्रोग्राम हैं वो फातिहा वगैरह के वो सारे घर में ही मतलब किए गए। हर मुसलमान भाई ने अपने घर के अंदर ही फातिहा वगैरह दिलाई और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को याद किया। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इराक के बादशाह यजीद ने अपनी सत्ता कायम करने के लिए हुसैन और उनके परिवार वालों पर जुल्म किया और मुहर्रम महीने के 10वें दिन उनकी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल हजरत इमाम हुसैन का मकसद था खुद को मिटाकर भी इस्लाम और इंसानियत को हमेशा जिंदा रखा जाए और यजीद के लड़ते हुए हुसैन और उनके 72 साथियों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी और धर्म युद्ध इतिहास के पन्नों में यह दिन हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जिसे ताजिया जुलूस और मोहर्रम के नाम से जाना जाता है।